हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने आप लोगों को एचटेट 2024 के लिए गाइड किया था, तो उसके अंदर आपका जो मेन जो डाउट आ रहा है, जो आपने कमेंट सेक्शन में राइट किया है, तो वो क्या आ रहा है कि भाई जो एचटेट 2024 में उसमें क्या सिलेबस रहेगा, न्यू वाला रहेगा या ओल्ड वाला रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जिन्होंने 2023 का एग्ज़ाम दिया था उन सभी को ये बातें पता है कि 2023 में एचपीएससी ने, जो हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन है भिवानी, ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी किया था। उससे पहले एचटेट का कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना ऑफिशियल सिलेबस दिया। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने देखा भी होगा 2023 में कि सिलेबस में से कितना आया था और आपका आउट ऑफ सिलेबस कितना था। आउट ऑफ सिलेबस मीन्स जो आपका पहले से पैटर्न चला आ रहा था उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर बेस थे, वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल करके आए थे। तो यहाँ पर आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब की बार जो एचटेट है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा या ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सच बताऊं तो ये बात तो मुझे ही नहीं पता है। मुझे तो छोड़ो, आप खुद एचबीएससी को नहीं पता है कि वो खुद सिलेबस देते हैं और उसके बाद उसमें चेंजमेंट कर देते हैं, पैटर्न कुछ और देखने को मिलता है। और इसके लिए आप लोग अभी तक प्रोटेस्ट भी करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हरियाणा बोर्ड ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको न्यू भी करना है और साथ में जो ओल्ड है वो भी करना है, और दोनों के दोनों, न्यू सिलेबस भी और ओल्ड सिलेबस भी। देखिए, ओल्ड सिलेबस में क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। पहले क्या आती थी, साइकोलॉजी आती थी, ठीक है, 30 मार्क्स की। लेकिन अब इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर जो पैडागोजिकल इशू होते हैं उनको भी सम्मिलित कर दिया है, तो आप लोगों को वो भी करना चाहिए। आपको दोनों ही करना पड़ेगा। और साइकोलॉजी में तो पूछा भी गया था, जैसे कि सीटेट लेवल आप पूछ रहे हैं कि सीटेट का लेवल और एचटेट का लेवल सेम रहेगा। तो देखिए, सीटेट एक अलग एग्जाम है, एचटेट एक अलग एग्जाम है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि जो सीटेट है वो भी बहुत इजी हो चुका है, तो एक एवरेज बच्चे के लिए सीटेट भी अब काफी टफ हो चुका है, इतना इजी नहीं रहा है जैसा कि 2023 में हुआ था। फिर उसके बाद 2024 वाला जो जनवरी में जिसका शायद एग्जाम था या जनवरी में रिजल्ट आया था, यानी जो लास्ट जो भी था, तो उसमें जो पैटर्न था वो काफ़ी चेंज देखने को मिले हैं आपको। जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था तब से सीटेट में भी काफ़ी चेंजेज हुए हैं। बाकी सीटेट ये है कि आप प्रीवियस ईयर को भी सोल्व कर जाते हो तो आपका निकल जाता है, अगर आपने बीएड पढ़ रखी हो। लेकिन एचटेट में आप लोग ये मत समझना, क्योंकि देखो सीटेट में ना तो आपको मैथ्स पढ़ना है, एचटेट में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, साथ में हरियाणा जीके भी पढ़नी है। और जो सब्जेक्ट आता है, अब सीटेट तो या तो आपका साइंस मैथ से होता है या फिर एसएसटी से होता है, जबकि एचटेट में आपका क्या है भाई, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप टीजीटी बनना चाहते हो या आप पीजीटी बनना चाहते हो, तो वो आपसे पूछा जाता है। जैसे इंग्लिश से हो तो इंग्लिश पूछी जाएगी, आप सोशल साइंस से फिल करते हो तो सोशल साइंस, साइंस से फिल करते हो तो साइंस, आपकी हिंदी से फिल करते हो तो हिंदी, मैथ से करते हो तो मैथ्स, 60 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सीटेट और एचटेट दोनों अलग एग्जाम है। हाँ, सीटेट की प्रिपरेशन करने के बाद आपको एचटेट में हेल्प मिल जाती है, एचटेट की प्रिपरेशन करने के बाद आपको सीटेट में हेल्प मिल जाती है, ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं। लेकिन बिल्कुल सेम ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई एचटेट का हमेशा से ही अपना एक स्टैंडर्ड रहा है और ये उसी को मेंटेन करके चलेगा। आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत रहिएगा कि जो सीटेट का पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे एचबीएससी वाले। और हाँ, हमारा जो चैनल है, आप लोगों का, हमारा यानी आप लोगों का ही चैनल है ये स्टडी जर्नी, इसके ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ओल्ड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। देखो, मैंने ग्रामर भी करवा रखी है और आप लोगों को जो हिंदी पैडागोजी के जितने भी टॉपिक ऐड हुए थे वो भी मैंने आपको करवा रखे हैं, साथ में उनके क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं और नोट्स में भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स हैं वो अपने नोट्स को रीड करते रहिए, क्लास देखते रहिए। और मैं तो आपको अभी यही सजेस्ट करूंगी, आप किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़े फिलहाल, ना आप किसी भी नोट्स के चक्कर में पड़े, क्योंकि आप जब तक अपने खुद के नोट्स बनाओगे ना तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं तो आपके यही सजेस्ट करूंगी कि आपके पास 6 महीने का टाइम बिल्कुल सफिशियंट है और 1 महीने में आप लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस आप आराम से अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जितना आपको समझ में आता है उतना लिखो। कुछ और समझ में आता है, कहीं और से मटेरियल मिलता है, जरूरी नहीं है कि मेरे ही चैनल से, कहीं और से भी मटेरियल मिलता है, तो उसको नोट डाउन करो और फ्री में आप अपनी स्टडी कर सकते हो। जो अभी बीएड सेकेंड ईयर में है, जो काफ़ी बार दे चुके हैं और हर बार उनको हार का सामना करना पड़ता है और साथ में सुनने को भी पड़ता है कि भाई एचटेट तो निकल नहीं रहा, आगे क्या करोगे, तो वो अपने अभी से लग जाओ, थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों की सिचुएशन समझ सकती हूँ कि भाई आप भी हाउसवाइफ हैं, साथ में आप एक माँ भी होंगी, एक पत्नी भी होंगी, एक बहन भी होंगी,
मोस्टली इसी एज पर आते आते आप लोग टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप वर्किंग भी होंगी कहीं पे, तो आपके पास इतना ही टाइम मिल पाता है दिन में 1-1.5 घंटे का। और ये 1-1.5 घंटा अगर आप 6 महीने कंटिन्यू तैयारी करते हो, 3 महीने बाद ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम लोग अपने चैनल पर मैराथन टाइप में आपको सिलेबस कवर करवा देंगे, साथ में मैं आप लोगों को PYQ भी प्रोवाइड कर दूंगी HTET के जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा, इस वहम में मत रहिएगा कि जो CTET है उसको फॉलो करेंगे। ओके, HTET का भाई कुछ नहीं पता, आप अपना कंप्लीट सिलेबस करो ना। अब इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर भाई सिलेबस जो नया आया था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो उसके अंदर पैडागोजी दे रखी है। जो आपसे क्वेश्चन बने थे वो ग्रामर से पूछे गए। अब देखो भाई, ग्रामर है, अगर ग्रामर आप लोग पढ़ते हो तो आपकी व्यर्थ थोड़ी ना जाएगी आगे। भाई ये तो है नहीं बस HTET कर लिया और आप बैठ गए, आप आगे और भी एग्जाम दोगे तो आपको वहां पे काम आ जाएगी ग्रामर। HTET में तो पूछे ही पूछेगा, लेकिन अगर नहीं भी पूछता है तो ग्रामर तो आपको आनी ही चाहिए। हिंदी में व्याकरण है वो भी आपको आनी ही चाहिए। तो आपको सारा सिलेबस करना है, ओल्ड भी करना है और न्यू भी करना है। तो ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोग अपना मन बना लीजिएगा। और भी बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स को सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।